कहते हैं एक स्त्री अपने आप में पूर्ण हो जाती है जब वो माँ बनती है, लेकिन माँ बनने के साथ ही उसके मन में कई विचार उमड़ने लगते हैं। मैं कैसे करूं अपने बच्चे की परवरिश? क्या ये रास्ता मेरे बच्चे के लिए सही होगा या गलत? इस तरह के विचारों में जब एक माँ उलझ जाती है तो कैसे वो इस रास्ते को पार कर सकती है, वो हम हमारे इस कार्यक्रम परवरिश के माध्यम से बताते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में, और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम मेहता जी, जो एक कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं और इसके साथ ही पेरेंटिंग कोच हैं। चलिए मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए मुझे यहाँ। जी मैम, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग के बारे में, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि क्या होती है टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। ज्योति, जैसे आपने शुरू में ही बता दिया कि माँ बनने का सुख एक बहुत ही बड़ा सुख होता है, मैं सिर्फ माँ नहीं, मैं कहूँगी माँ बाप बनने का सुख ही एक बहुत बड़ा सुख होता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कब आने शुरू हो जाते हैं? जब हम उस नन्हे शिशु की परवरिश करने लगते हैं, और जो हम उनकी परवरिश करते हैं, हम किस तरीके से उनको पालने लगते हैं, जिस तरीके से हमारी परवरिश हुई होती है। अब हो सकता है कि हमारी परवरिश में ही कुछ कमी रही हो, कुछ बातें ऐसी हुई हों जो हमें अच्छी ना लगी हों, तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम उसी तरीके से हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर बच्चों को उनकी परवरिश करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी क्या गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है कि हमको अपने माँ बाप से जो नहीं मिला होता, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को वो जरूरत से ज़्यादा देने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों को ज़रूर मिले। अब होने क्या लग जाता है, हम तो अपनी तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हमको लग रहा है मेरा बच्चा बड़ा ज़िद्दी हो रहा है, मेरा बच्चा तो मेरा कहना ही नहीं मानता है। हम औरों को देखते हैं, अरे उसका बच्चा तो किसी के भी सामने बड़े ओपन तरीके से बात कर लेता है, मेरा बच्चा तो कर ही नहीं रहा है। तो हमको ज़रूरत किस चीज़ की होती है, हमें ज़रूरत होती है पेरेंटिंग स्टाइल की। पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? पेरेंटिंग स्टाइल वो शैली है, वो अंदाज है दोस्तों, जिससे हम क्या कर पाते हैं, हम अपने बच्चों की जो परवरिश है वो हम बहुत पॉजिटिव वे में कर पाते हैं। अब हमें कभी कोई इस बारे में समझाता ही नहीं है, घर के बड़े क्या बोलते हैं, अरे हमने तुमको ऐसे ही पाला है, कुछ नहीं होता, बस तुम बच्चों के ऊपर तुम कुछ ज़्यादा ही टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, बस छोड़ दो, हमारे बच्चे कब बड़े हो गए हमें तो पता ही नहीं चला। तो ऐसी सोच के अंदर, ऐसे बिलीफ सिस्टम के अंदर कभी कभी क्या होता है, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। क्यों? क्योंकि उधर घर वाले लोग तो हमें घर की बातें बता रहे हैं, हमने तो कुछ ऐसा सोचा नहीं, तुम पढ़ लिख नहीं गए हो, तुम क्या अपने पैरों पे नहीं खड़े हो, तो ये भी हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम जिस एनवायरनमेंट में आज के टाइम में रहते हैं, हम जिन चीज़ों का सामना करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें मजबूर करती हैं, देयर शुड बी सम वे, कुछ होना चाहिए। तो वो होता है हमारा पेरेंटिंग स्टाइल, जिससे हम उस शैली को सीख पाते हैं। और ये जो हमारी शैली है, बहुत सिंपल वे में लेके चलूं तो ये चार तरीके की शैली होती है, आई मीन फोर टाइप्स वी कैन से, जिससे कि हम अपनी पेरेंटिंग को बहुत कहते हैं ना, कारगर तरीके से हम उसको कर सकते हैं उस शैली की मदद से। तो वो जो हमारी चार टाइप्स हैं, शैली हैं, अगर हम उसको ब्रीफ में समझें तो एक होती है हमारी अथॉरिटेरियन स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल, एक हमारा होता है परमिसिव स्टाइल, और एक होता है हमारा अथॉरिटेटिव स्टाइल, और लास्ट में एक हमारा रह जाता है अनइन्वॉल्वड पेरेंटिंग स्टाइल। तो ये चार तरीके के हमारे पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। तो मैम, आपने बताया कि बच्चों को पालने के जो तरीके होते हैं वो चार तरह के होते हैं, मैं चाहूँगी कि इन चार तरीके के बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं, और वो जो पेरेंट्स होते हैं, जब वो चार तरह के जो पेरेंट्स होते हैं उनका व्यवहार जो होता है, उनका नेचर जो होता है अपने बच्चे के साथ कैसा होता है, इसके बारे में बताइए।
तो ज्योति, चार तरीके के पेरेंट्स नहीं होंगे, चार तरीके का पेरेंटिंग स्टाइल है, ये हमारा एक शैली है। तो जो मैंने पहले बात करी थी, जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होता है, उसमें जो पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने बच्चों के साथ, वो बहुत डिसिप्लिन में अपने बच्चों को हमेशा देखना और रखना चाहते हैं। देखिए, कोई भी पेरेंट्स बच्चों के अगेंस्ट नहीं होते हैं, माँ बाप से प्यारा तो हमें पता है कोई होता ही नहीं है, बच्चों में तो माँ बाप बोलते हैं मेरी जान होती है। लेकिन ये जो पेरेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बच्चों के ऊपर इतनी सख्ती रखते हैं कि यदि वो उन नियमों का पालन ना करें तो उनको ये बहुत पनिशमेंट देते हैं, बहुत सजा देना, थप्पड़ लगा देना, मार देना, कमरे में बंद कर देना, वो ऐसी चीज़ें करते हैं। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है, इट इज़ मोर अबाउट हैविंग कंट्रोल रैदर देन कंसर्न। बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखना, मेरा बच्चा, कंसर्न नहीं करना। अब उनका बच्चा अगर उनसे ये प्रश्न भी पूछे कि ये मुझे क्यों करना है, क्योंकि मैंने कहा है, तो ये वाला जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है, ये बच्चों पे बहुत नुकसान कर देता है। आपका बच्चा पता है अकेडमिकली भी चीज़ों को अचीव कर लेगा और वो आपको बहुत डिसिप्लिन में लगेगा वो बच्चा, लेकिन ज्योति ऐसे बच्चों के अंदर ना तो हैप्पीनेस होती है, ना उनका सेल्फ इस्टीम होता है, वो डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। वो चाह के भी अपने माँ बाप को ये नहीं बोल पाएंगे, मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो। हम उनको ये नहीं जस्टिफिकेशन दे पाएंगे कि ऐसा क्यों करना है, ऐसा करना है क्यों भाई, क्योंकि मैंने कहा है। तो ये एक तरीके का पेरेंटिंग स्टाइल होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है, अब ये इसका थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है। पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों के साथ बहुत लीनियंट हो जाते हैं। अब बच्चों के साथ फ्रेंडली वे में तो रहना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से हो जाते हैं कि बस जो किया ठीक है, बिल्कुल भी, जैसे एक माँ बाप का एक ऑरा होना चाहिए, एक उनकी गाइडलाइन होनी चाहिए, तो वो थोड़ा उसमें ज़रा लीनियंट चले जाते हैं। अब इन बच्चों में पता है क्या होता है, ये बच्चे लाइफ में अचीव तो करेंगे लेकिन इनके अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं रहेगा। अगर हमने कई बारी, हमें ही नहीं पता चलेगा कि एज अ पेरेंट मैं कौन सी शैली को अपना रही हूँ, तो हम अपने बच्चों के ट्रेट से भी हमें ये इस चीज़ को हम सेंस कर पाते हैं कि मैं कौन सी शैली से अपने बच्चों को पाल रही हूँ। उनमें कभी भी सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा और जीवन में जब वो बड़े होंगे, वो कहीं भी जब जाएंगे जहाँ पे उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये बड़े अनइजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने कभी सीखा ही नहीं होता। इसके बाद जो मैंने थर्ड शैली बताई, जिसको कि हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं, ये सबसे बढ़िया पेरेंटिंग स्टाइल है। अब हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो बढ़िया पेरेंटिंग स्टाइल है भाई, उसके बारे में तो हमें फटाफट पता चले। तो इसमें ज्योति हम क्या करते हैं, हम बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशन देंगे, बताएंगे भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, साथ में हम उनको फ्रीडम भी देंगे कि आप अपने निर्णय खुद ले सकते हो, और साथ साथ हम उनको जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि ये करना है तो क्यों करना है, और यदि ये नहीं करना तो क्यों नहीं करना। तो ऐसे बच्चों के अंदर हमने ये देखा है कि उन बच्चों का सेल्फ इस्टीम बहुत हाई होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, उनके अंदर डिसिप्लिन भी होता है। तो इसको हम सबसे बढ़िया और सबसे खूबसूरत हम इसको पेरेंटिंग स्टाइल मानते हैं। अगर मैं बात करूँ अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल, तो वो तो हमें जैसे नाम से भी पता चल ही रहा है, बिल्कुल ही कोई कम्युनिकेशन नहीं बच्चों के साथ, सॉर्ट ऑफ थिंग, बच्चा पैदा किया छोड़ दिया। मे बी कभी कभी इतना हमारे पास पैसा है, बच्चों के लिए हमने केयर टेकर रखे हुए हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी है तो बच्चे को बस पैसा दिया और तू जो मर्जी कर। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिनके पास पैसा है वो इसमें रहते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि घर के कुछ हालात ऐसे हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे के साथ कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। और हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जिन बच्चों का पालन पोषण इस पेरेंटिंग स्टाइल से होता है, वो बच्चे बड़े होकर सब्सटेंस अब्यूज में जाते हैं, ड्रग्स लेना, वो सोसाइटी में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जाते हैं, चोरी करना। कहते हैं ना
कि माँ के पेट से कभी भी कोई चोर पैदा नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, कितना ज़रूरी होता है अपनी पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि यदि हम इस तरीके से बच्चों को पालते हैं तो जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो इन बच्चों में रहती हैं और उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ही नकारात्मक रूप से असर पड़ता है। तो ये हमारे 4 मुख्य पेरेंटिंग स्टाइल हैं। मैम, पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो गलत रास्ते पर जाते हैं जब पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे देश की अगर बात की जाए तो आज के समय में बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, कामकाजी महिलाएं कह सकते हैं उन्हें, काम करती हैं। ऐसे में वो बच्चे पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पाती हैं जो एक नॉर्मल मदर देगी, जो घर पर रहती है, बच्चे के ऊपर 24 घंटे नज़र रखती है, वो नहीं दे पाती हैं। ऐसी परिस्थिति में जो एक वर्किंग मॉम है वो कैसे अपने बच्चे को संभाले, कैसे अपने बच्चे को हैंडल करे, चाहूँगी इसके बारे में बताएं आप। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली लेडीज़ वर्किंग हैं और ये समस्या लेके वो बहुत बारी हमारे पास आते हैं कि हम अपने बच्चे पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते, जैसे आपने बोला कि हम पूरी नज़र नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब बच्चों पे 24 घंटे नज़र रखना नहीं है। पेरेंटिंग स्टाइल में हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आपका अपने बच्चों के साथ किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, आप अगर वर्किंग भी हैं, आप शाम को जब घर आते हैं, तो जब आप घर आते हैं तो क्या आप इस टेंशन को कैरी करते हैं कि अभी मुझे खाना बनाना है, अभी मुझे कपड़े धोने हैं, तो आप क्या करेंगे? वो बच्चा जब आपके पास आएगा, हम उसको कहते हैं अभी रुक जा, बहुत काम है। और कभी कभी ऑफिस की जो टेंशन हमारी होती है, हम किसी बात से खुश नहीं हैं, हम ना खुश हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी भी बच्चे के ऊपर निकालने लग जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप बच्चे के साथ कितना समय बिता रहे हैं, आप किस क्वालिटी का समय निभा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और जब आप जो भी काम करते हैं उसमें, जब आपका सैटरडे संडे या जो भी आपका ऑफ होता है, उसमें हम थोड़ा सा बच्चों के साथ बोलते हैं उनको कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आस्पेक्ट को जो है आप कैरी कीजिए। तो बात ये नहीं है हम कितना समय निभाते हैं, किस क्वालिटी से हम उनके साथ बातचीत करते हैं वो ज़्यादा मायने रखती है। मैम, जैसे कि आप एक पेरेंटिंग कोच भी हैं, तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो आपके पास आते होंगे, तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आप सबसे ज़्यादा कॉमन देखते हैं बहुत सारे बच्चों में पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से, उसको हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार केस आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहूँगी, और इस तरीके के केसेस बड़े हमारे पास आते हैं। एक बारी मेरे को कॉल आई, तो वो सर्ड थे, पंजाबी थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैम जल्दी से हमें आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैंने बोला कि अभी 15 दिन तो कोई अपॉइंटमेंट है नहीं है, मैं आपको 15 दिन के बाद का समय दिया जाएगा। वो बोले प्लीज़ आप समझिए, मतलब उनका जो मेरे से बात करने का अंदाज था, तो मुझे कुछ सेंस हुआ कि जो प्रॉब्लम शायद इतनी नहीं है जितनी ये इनको इतनी बड़ी लग रही है। तो मैंने उनको प्रायोरिटी बेसिस पे 3 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट दे दिया। अब वो मेरे पास आए हैं, तो वो आए, साथ में उनकी वाइफ आई और साथ में वो 5-6 साल का बच्चा था, वो आया। अब वो मेरे सामने बैठे हैं, इधर फादर बैठा है, इधर उनकी वाइफ बैठी है और बीच में वो बच्चा बैठा हुआ है। अब बात शुरू कर रहे हैं कि भाई बताइए आपको दिक्कत क्या है। बोलते हैं ये बच्चा बच्चा ये हमारी दिक्कत है। मैंने कहा अच्छा जी, अब क्या दिक्कत है? कहते मैडम मैं आपको क्या बताऊं, ये ना, तो मैंने पूछा कि अच्छा इस बच्चे के साथ ज़्यादा समय कौन बिताता है? तो ऑफकोर्स माँ ने, तो मैंने उनको बोला कि आप रुकिए, आप बताइए कि क्या है। तो वो लेडी 2 लाइनें बोलती, उसका हस्बैंड उसको चुप करा देता। तो वो मुझे बोल रही थी कि ये बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, अच्छा। बच्चा गाली गलौच बहुत करता है, घर में उद्दम मचाता है, तोड़ फोड़ करता है, ऐसी चीज़ें बहुत करता है। तो वो कुछ बोलने लगी तो उसका हस्बैंड उसको चुप कराता, साथ में 2 एडजेक्टिव्स लगा देता, 2 गाली दे देता। मैंने पहले कहा रुको, मैंने उस बच्चे को वेटिंग रूम में बिठा दिया और मैंने कहा अब आप बात कीजिए, अब मैं उनको सुन रही हूँ। अब प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आ गया कि सॉल्यूशन कहाँ पे है।
इसको बच्चे पालने नहीं आते, ये है वो है, मैं कमा कमा के थक गया, इतना मैं पैसा कमाता हूँ किसके लिए कमाता हूँ, इतना बदतमीज बच्चा हम कहीं ले जा नहीं सकते, ये है वो है, करते रहे। मैं बड़े मस्त से सुनती रही दोनों की बातें। फिर उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप क्या चाहते हैं? अरे मैडम, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके पास आए हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। मैंने कहा लेकिन इसका प्रोसेस अलग चलेगा। बोले क्या चलेगा? इसको नहीं, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। कहते मुझे काउंसलिंग की जरूरत है? मैंने स्पेशली उनको मेल को बोला, बोले मुझे किस काउंसलिंग की जरूरत है? मैंने कहा आपने अभी 40 मिनट के अंदर कम से कम आपने 50 गालियां दी हैं मेरे सामने, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, और आप कहते हैं कि मेरा बच्चा गालियां देता है, तो वो सीख कहाँ से रहा है? क्या आपने उसको गालियां सीखने वाले स्कूल में डाला है? नहीं नहीं, इंटरनेशनल स्कूल में जाता है, तो कहाँ से आ रहा है? आप तो बोल रहे हैं आप बड़े रिलीजियस हैं, आप बड़ा पाठ करते हैं, क्या पाठ में ये चीज़ सिखाई जाती है? दे तो आप ही रहे हैं ना, और वही आपका बच्चा आपके साथ कर रहा है। वो 5 से 7 मिनट एकदम चुप रहे, एक ग्लास पानी चाहिए मुझे, उनको हमने पानी दिया, फिर मैंने उनकी वाइफ को बाहर भेजा और मैंने उनसे बात करी और मैंने उनको ये बताया कि इस बच्चे के बिहेवियर को सुधारने के लिए आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। एंड ज्योति जी, यू वोंट बिलीव, ही हैज़ बीन वेरी रेगुलर, कम से कम 6 से 8 महीने वो मेरे पास आए, साथ साथ हमने बच्चे के ऊपर भी काम किया, लेकिन मेन जो उसका ट्रिगर पॉइंट था, जो उसकी लर्निंग थी, वो तो उसकी यहाँ से आ रही थी ना। तो इस तरीके से आप देखिए कि बच्चों का जो बिहेवियर होता है उसमें हमारा पेरेंट्स का, हमारे पेरेंटिंग स्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए मैम कहा भी जाता है कि जो भी हम करते हैं वही हमारे बच्चे ग्रैप करते हैं और वही वो आगे दिखाते हैं कि हमने ये सीखा है। इसलिए जब भी हम अपने बच्चे के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हैं तो हम सोच समझ कर करें ताकि उस पर उसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। मैम एक मूवी है कभी खुशी कभी गम, अगर उसमें बात की जाए तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन हैं जो माता पिता का रोल निभा रहे हैं शाहरुख खान के। उसमें जो अमिताभ बच्चन का रोल है बहुत ही गुस्से वाला या फिर हमारे रूल्स हमारे रेगुलेशन वाला, इस तरह के पेरेंट हैं वो, फादर हैं वो। और अगर मदर की बात की जाए तो पापा के आगे वो कुछ बोल नहीं पाती, हस्बैंड के आगे वो कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन बड़ी कृपालु टाइप परमिसिव टाइप की मदर हैं वो। तो जब एक फादर जो हो वो थोड़े गुस्से वाले हों थोड़े, लेकिन जो मदर हो वो थोड़ी कृपालु टाइप की हो, तो जो उनके बेबीज़ होते हैं उन पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी अलग है, माता की भी और पिता की, तो बच्चे पर किस तरह का जो है वो प्रभाव पड़ता है? अगेन मैं कहूँगी ज्योति जी, आपने बहुत खूबसूरत प्रश्न पूछा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे दर्शक बिल्कुल एसोसिएट कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी दो इंडिविजुअल एक जैसे होते ही नहीं हैं। आप नोटिस कीजिएगा, अगर हम अभी पेरेंटिंग पे ना जाएं, अगर हम अपने कोई हस्बैंड वाइफ को देखें तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि आपका कुछ नेचर कुछ पर्सनालिटी अलग है और आपके हस्बैंड की कुछ अलग है। कभी हम ऐसी बात करें, अरे मेरे हस्बैंड से मेरी ये बातें मिलती हैं लेकिन इन बातों में हम बिल्कुल अलग हैं, तो हमारे बड़े हमें क्या कहते हैं, अच्छा है ना गाड़ी इसी तरीके से मिलके चलती है, किसी में कुछ पॉजिटिव है किसी में कुछ नेगेटिव है। तो जब बच्चे के पालन पोषण में ये चीज़ें आने लग जाती हैं, जैसे अभी आपने एक मूवी का रेफरेंस देके जो क्वेश्चन पूछा है कि अमिताभ बच्चन बड़े गुस्से वाले, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन वाले, अथॉरिटेरियन उनका जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल होगा, और जो उनकी वाइफ है वो बहुत परमिसिव स्टाइल में होगी, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे के लिए। बच्चा पता क्या करने लग जाता है, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, अगर ये बात पे पापा गुस्सा करता है उस बात को मनवाना है तो वो मम्मी को यूज करेगा एस्केप गोट। ये चीज मम्मी की नहीं है, ये तो पापा से चाहिए, तो वो पापा पे चले जाएगा। अब समस्या आती है कि इसमें करना क्या चाहिए, और ये समस्या लेके हर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम उनको ये सिखाते हैं कि आपको एक यूनिक पेरेंटिंग स्टाइल बनाना है जिसमें कि हम कंबाइन करके, तो दोनों पेरेंट्स को उसके ऊपर एग्री होना पड़ता है, वो मानना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंटिंग तो इतनी खूबसूरत यात्रा है ज्योति, जिसमें कि हमारा एक्सपेंशन होता है, हमारी लर्निंग होती है। और अगर मैं स्पिरिचुअल वे में बोलूँ ना, तो बच्चे को पालते पालते माँ बाप की भी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन तो होता ही है, क्योंकि जो गुण वो हमें सिखाते हैं
पेशेंस सिखाते हैं, अनकंडीशनल लव सिखाते हैं, वो हमें कहीं से नहीं मिल सकता। तो हम क्या करते हैं, उनको बिठा के पेरेंट्स को एग्री करवा के हम उनको एक यूनिक पेरेंटिंग स्टाइल सिखाते हैं। तो आज मैं भी कैमरे के सामने एक सीक्रेट बता देती हूँ, शायद अगर मेरे बच्चों ने देखा तो उनको भी ये बात पता चल जाएगी। जब मेरे बच्चे भी लगभग ऐसे जब 2.5-3 साल में हुए, तो मैंने अपने हस्बैंड को एक बात बोली कि देखो कभी ऐसा होगा कि ये कुछ बात गलत कर रही हैं, तो कुछ बात होगी जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, कुछ बात होगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, और देखिए ज़रूरत भी पड़ती है तो कभी कभी बच्चे को समझाने के लिए हमें उन्हें हल्का सा डांटना भी पड़ेगा। तो मैंने इनको ये चीज़ बोली कि जब मैं डांटूंगी आप बीच में नहीं बोलोगे, और जब आप उनको डांटोगे समझाओगे मैं बीच में नहीं बोलूंगी। लेकिन जब एक पार्टनर ने डांट दिया, बच्चा वहां बैठा है, तो दूसरा जो भी पेरेंट होंगे वो उस बच्चे के पास जाएंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको रीजनिंग समझाएंगे, पैम्पर नहीं करेंगे, उसको रीजनिंग समझाएंगे। तो ये एक यूनिक पेरेंटिंग स्टाइल मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी अडॉप्ट करी हमने अपने बच्चों को पालने में। तो दोनों को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, और ताकि हमारा जो बच्चा है उसकी परवरिश अच्छे से हो सके और उसके मन में किसी तरह का रिग्रेट ना रहे कि मेरे मम्मी एस पापा, मम्मी तो अच्छी है लेकिन पापा मेरे थोड़े गुस्से वाले हैं, अग्रेशन वाले हैं। मैम बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसी टिप्स जो आप न्यू पेरेंट्स जो हैं या फिर जो अभी बच्चे की परवरिश कर रहे हैं जिनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, कुछ ऐसी टिप्स आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल, देखिए दोस्तों मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है, आप ये मत सोचिए कि जब बच्चा गोद में आ जाएगा हम उसी समय इसके ऊपर जाएंगे। जिस दिन आपने ये सोचना भी शुरू कर दिया ना अब हमें माँ बाप बनना है, तब आप देखिए। कभी कभी क्या होता है, मैं माँ नहीं बनना चाहती, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डर है। और कभी कभी क्या होता है, मुझे माँ बनना है, क्यों? क्योंकि फैमिली का प्रेशर है। तो वो जो भाव आप अपने अंदर रखते हैं ना, आप अपने बच्चे के लिए वैसी ही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। और जब बच्चा आपके गर्भ में आ जाता है, यानी कि जब आपने उस बेबी को कंसीव कर लिया, उस समय हमारा शुरू होता है जप और तप। आप बोलेंगे जप और तप कैसा? 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखना, उसकी डेवलपमेंट के साथ हम सब जानते हैं एक औरत को किस तरीके की उस समय चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम सो नहीं पाते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता है हम झुक नहीं पाते हैं। और जब कैसा चलता है, हर समय मेरा बच्चा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, उस समय आप क्या सोच रहे हैं? कभी कभी कई लेडीज अपनी प्रेगनेंसी को कर्स करती हैं, कभी कभी कहीं बोलती हैं मैं औरत ही क्यों, ये हस्बैंड क्यों नहीं, को क्यों नहीं करना पड़ रहा, इसके तो मज़े हैं और मैं कहाँ फंस गई हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं उस बच्चे की मानसिकता के ऊपर असर डालती हैं। और जब बच्चा आपकी गोद में आ ही गया, तो हमने बात कर ही ली है कि 4 तरह का पेरेंटिंग स्टाइल है, तो जो दी बेस्ट लगे, और अपने हस्बैंड के साथ भी मिलके हमारे को एक यूनिक पेरेंटिंग स्टाइल से अपने बच्चों का पालन करना चाहिए, ताकि हम उनको बहुत ही प्यारा और सुकून भरा जो है वो हम उन्हें जीवन दे सके। तो मैम आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी तमाम जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी और हमें बताया कि कैसे हमें अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी चाहिए, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने जाना टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग के बारे में, हम कैसे अपने बच्चे की सही परवरिश कर सकते हैं, हमें अपने बच्चे का कितना ध्यान और किस समय तक रखना है, उसे क्या समझाना है, कैसे समझाना है, इस विषय पर बात की। और साथ ही मैम ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताए कि हम जो करते हैं हमारे बच्चे वही ग्रैप करते हैं और वही वो आगे जाकर करते हैं। हमारे छोटे छोटे एक्शंस का हमारे बच्चों पर क्या कुछ असर पड़ता है, इसके बारे में भी मैम ने बताया। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।